we will start a new chapter from unit first, that is the animal kingdom, or we can say it kingdom Animalia. As you all know, the kingdom Animalia consists of all type, all multicellular organism. और जब हम मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की या हम कहें कि जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल किंगडम की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज एनिमल्स की उस एनिमेलिया किंगडम में प्रेजेंट हैं, जिन्हें एक पर्टिकुलर पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को फाइंड आउट किया जाता है और एक स्पेसिफिक हम कहें कि सिस्टमैटिक्स मीन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हर ऑर्गेनिज्म को एक परफेक्ट पोजीशन बनाई जाती है. फिर कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्ड करने के लिए पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर फाइलम्स बनाए गए, ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, उन्हें इजीली स्टडी कर सके. तो यहाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनिमेलिया किंगडम में स्टडी करेंगे कि किसी भी एनिमल का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो क्या था, मीन्स कौन कौन से बेसिक फीचर्स को यहाँ लिया गया ताकि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को एक परफेक्ट प्लेस, एक परफेक्ट पोजीशन, एक परफेक्ट ग्रुप में प्रोवाइड की जाए. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, काफी कैरेक्टर्स लिए गए क्लासिफिकेशन के लिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को यहाँ हम डिस्कस करें कि उन्हें पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाए. तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस हर ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है. लेकिन जब हम किसी भी ग्रुप के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें लोवेस्ट ग्रुप होता है, आफ्टर दैट वी मूव टुवर्ड्स द हाईएस्ट ग्रुप. और जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ फोर लेवल्स प्रेजेंट होते हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट लेवल आता है सेल्यूलर लेवल. सेल्यूलर लेवल मीन्स वेयर द सेल्स परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ बॉडी मीन्स किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सभी फंक्शंस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, हम कहें एग्रीगेटेड सेल्स है नॉट अ ग्रुप, तो उन सेल्स से वो अपना काम लेते हैं और हर तरह की एक्टिविटी वो सेल ही उसकी बॉडी में परफॉर्म करती है. मीन्स फूड इनटेक करना है तो सेल परफॉर्म करेगी, रेस्पिरेशन करना है तो सिंगल सेल काम करने में हेल्प करेगी. मीन्स सिर्फ सेल्स ही बॉडी की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बॉडी के सभी प्रोसेसेस में हेल्प करती है. तो ऐसा लेवल जो है वो सेल्यूलर लेवल कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल हैव द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड लेवल आता है इसमें टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल मीन्स सेल्स ग्रुप्ड टुगेदर. सेल्स ने ग्रुप बना लिया और वो ग्रुप में मिलकर अपना काम करती है. मीन्स वो ग्रुप्ड हो गई है और अब यहाँ पर जो फंक्शन है सेल बॉडी का वो सभी टिश्यू के थ्रू परफॉर्म किया जाता है. इसलिए हम कहते हैं कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो शो करती है. इसमें एग्जाम्पल आता है सीलेंट्रेटा फाइलम. सीलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा, ये दो फाइलम के जो मेंबर्स हैं, दे शो द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट हैं और सभी ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल आता है प्लैटीहेलमिंथ्स. मीन्स हम यहाँ प्लैटीहेलमिंथ्स को जब स्टडी करते हैं तो यहाँ पर फ्लैट वर्म्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे उनकी बॉडी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है और सभी ऑर्गन अपना अपना फंक्शन
स्मूथली परफॉर्म करते हैं। एंड लास्ट पार्ट आता है इसका ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गन अटैच्ड टू वन अनदर, अटैच्ड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ ऑर्गन्स अटैच हैं और उन्होंने एक पर्टिकुलर सिस्टम बना लिया। तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी देयर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो मेनी सिस्टम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो इस तरह से जो सिस्टम्स प्रेजेंट है वो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स के ग्रुपिंग से बनते हैं। दीज ऑर्गन सिस्टम्स फाउंड इन एग्जाम्पल्स आर एनीलिडा, एनीलिडा, वी कैन से दैट मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इन सभी के अंदर आर्थ्रोपोडा। और जब हम इन ग्रुप से आगे चलेंगे तो कॉर्डेटा के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी में ऑर्गन सिस्टम यहाँ प्रेजेंट होता है। अब जब हम यहाँ ऑर्गन सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दो अलग अलग सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, हेल्प्स इन एसिमिलेशन एज वेल एज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम अवर बॉडी। तो यहाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ दो टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, वन इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेकेंड इज कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम प्लैटी हेलमिंथ को जब डिस्कस करेंगे इन डिटेल तो हम देखेंगे कि प्लैटी हेलमिंथ में एक ही ओपनिंग उसके बॉडी के बाहर होती है जिसे हम माउथ कह सकते हैं और उसी ओपनिंग के थ्रू वो अपने दोनों काम करता है। फॉर एग्जाम्पल वो फूड इनटेक का काम भी वहीं से करेगा और अपने वेस्ट को रिमूव करने का काम भी उसी ओपनिंग से करता है। तो अब ये कह सकते हैं सिंगल ओपनिंग है ऑर्गन्स में और उस ओपनिंग से माउथ और एनस दोनों काम लिए जाते हैं। दैट टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स द सिस्टम हैव ओनली वन ओपनिंग, ओनली वन ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी एंड परफॉर्म फंक्शन ऑफ बोथ, फंक्शन ऑफ बोथ माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस दोनों का फंक्शन परफॉर्म करती है। एंड द एग्जाम्पल इज द प्लैटी हेलमिंथ, प्लैटी हेलमिंथ इसका एग्जाम्पल है जिसमें हमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई देता है। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स विच हैज टू ओपनिंग्स, टू सेपरेट ओपनिंग्स आर देयर, वन ओपनिंग विच बिहेव्स लाइक द माउथ फॉर इनटेक ऑफ फूड, जिससे फूड को गेन किया जाएगा, इनटेक ऑफ फूड, एंड सेकेंड इज द एनस हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मीन्स जिसके दो सेपरेट ओपनिंग्स हैं, वन माउथ एंड वन एनस। माउथ इनटेक ऑफ फूड में हेल्प करेगा, एनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो अगर इस तरह से एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें टू सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, ऐसे सिस्टम को यहाँ हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सभी में, फॉर एग्जाम्पल एनीलिडा से लेकर इकाइनोडर्म्स तक, इकाइनोडर्म्स और फिर इकाइनोडर्म्स से लेकर कॉर्डेट्स तक प्रेजेंट होता है,
कोऑर्डिनेट्स में इसी तरह से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। उसके बाद सेकंड सिस्टम डिस्कस करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स वेयर द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी, जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन है हार्ट की हेल्प से। तो यहाँ भी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो टाइप का होता है, वन इज नेम्ड एज द ओपन टाइप एंड सेकेंड इज नेम्ड एज क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप और क्लोज्ड टाइप, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड फ्लोज डायरेक्टली into the body after pumping by heart and the cells and tissues directly bathed into it. मीन्स ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज, वेन्स या हम कहें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो जैसे ही हार्ट ब्लड को पंप करता है, आफ्टर द पंपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड है वो निकलकर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो उस ब्लड को वहां से यूज करते हैं, उसमें जो फूड मैटर है उसे एब्जॉर्ब करेंगे, जो अपनी बॉडी का वेस्ट है उसे उस ब्लड में रिलीज करते हैं। तो ऐसा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हम ओपन टाइप कहते हैं और जनरली इट इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हम ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम या हम सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं प्रेजेंट होता है। अब बात आती है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड टाइप मीन्स जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन इट और ब्लड हार्ट से पंपिंग के बाद पूरे बॉडी में स्कैटर नहीं होता, वो हमेशा ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स आफ्टर पंपिंग बाय हार्ट। फॉर एग्जाम्पल जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सभी में क्लोज्ड टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम या क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर और द सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है।